हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और आपके पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों का तो दो पेपर हो भी चुके हैं और बच्चों के इजी पेपर आ रहे हैं। बच्चों ने बताया थोड़ा लेंथी आज का पेपर, ऐसा बोला कुछ सेट ऐसे भी थे जो लेंथी थे, जो इंग्लिश का पेपर था थोड़ा लेंथी पड़ गया था, थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, जो पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस कम कर पाए थे उनके लिए थोड़ा लेंथी है। लेकिन बाकी इजी पेपर आ रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस करके जानी है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप कर पाओगे। तो आपके लिए मैं क्या लाया हूँ आज, मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज है जिसमें मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। किसकी कराऊंगा बेटा? एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। इस टेस्ट सीरीज में क्लास टेंथ के लिए अगर मैं बात करूं, क्लास टेंथ के लिए बात करूंगा, तो चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए, जैसे पहला चैप्टर आप केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में क्या आएगा कि जितने भी आपके एमसीक्यू और असम्पशन रीजन आ सकते हैं उतने मैंने आपके 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए, 30 और 40। ठीक है, इस सीरीज में आपको एक फायदा मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, केवल और केवल 20 रुपीज के सारे एमसीक्यू जितने भी हमारे चैप्टर्स है ना उतने, ठीक है, जितने हमारे चैप्टर्स है उतने, यानी कि जितने मतलब हमारे पास जितने भी हमारे क्लास टेंथ में, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे बायो के हो, सारे चैप्टर केवल 20 रुपीज की एमसीक्यू आपकी रहेगी है, केवल और केवल। और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जब आप ये जमा कर देंगे आपको मैं पासवर्ड भी दे दूंगा और आपको वो जाकर के ज्वाइन हो जाना है, तो आप उसे अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट आप आसानी से देख पाएंगे और शाम को टाइमिंग रहा करेगा, हर चीज आपकी फिक्स रहेगी क्योंकि कितने टाइम पर देना है, कितने आपको अपने आंसर भी चेक करने के लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा साथ में, पीडीएफ, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा बाद में, जब आप टेस्ट कर लेंगे वो टेस्ट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे आपका सॉल्यूशन और नेक्स्ट हमारी जो अगली वाली सीरीज होगी, तो इससे आपके सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे साइंस के अंदर। फिलहाल मैं आपको साइंस प्रोवाइड कराऊंगा और मैथ में इसकी जस्ट बात कराऊंगा कुछ दिन के बाद, ठीक है, तैयार हो जाएगी सीरीज जब तक। उसके बाद क्लास 12 के लिए क्या मैटर है, क्लास 12 के लिए क्या मैटर है, तो क्लास 12 के लिए समझ लो भाई, क्लास 12 में मैं आपको सेम यही चीज है क्लास 12 के लिए, पर मैं आपके दो चैप्टर, जैसे आपके जो कि आपके पेपर है, आपका लगभग 28 को पेपर है, 28 का आपका केमिस्ट्री का पेपर, 28 का आपका केमिस्ट्री का, तो मैंने कुछ आपके लगभग 10 चैप्टर है क्लास 12, क्लास 12 आपके 10 चैप्टर है टोटल, राइट, तो मैंने क्या किया है आपके जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसकी मैंने अलग से किया है, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वेरिएंट बेस्ड चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ना, तो मैंने सॉल्यूशन को अलग करके रखा हुआ है, बाकी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक ये दो चैप्टर एक साथ लिए हैं, उसके बाद आपके डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन दोनों एक साथ लिए हैं, उसके बाद आपके हैलोजन एंड अल्कोहल ये दोनों एक साथ लिए हैं, उसके बाद मैंने आपका एल्डिहाइड एंड अमीन्स ये दोनों एक साथ लिए हैं, एल्डिहाइड कीटोनल और आपका फिर अमीन्स ये सॉरी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वाले बायोमॉलिक्यूल्स वो लास्ट में मैंने कर दिए, तो इस तरह से मैं आपको एक ही जितनी जल्दी कर सकता हूँ उतनी टेस्ट सीरीज कर दूंगा। तो ये भी केवल 20 रुपीज की सीरीज रहेगी, आप 20 रुपीज प्रोवाइड कराइए, 20 रुपीज के साथ आप ये अपनी सीरीज ले सकते हैं, ठीक है, और आपको शाम को 9 बजे इसका लिंक मिला रहेगा और 9 बजे एक घंटे आधे घंटे में जितना आपका टाइम होगा उतने टाइम में आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए डेली, ये प्रैक्टिस होगी आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं बेटा एमसीक्यू में है ना, तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं और क्लास 10 के 20 आ रहे हैं बेटा, तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके काम आएगी, देखना आप बहुत अच्छा करके आएंगे एमसीक्यू, इतनी प्रैक्टिस मैं आपके साथ लगा रहा हूँ है ना। उसके बाद मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी, कुछ एग्जाम वगैरह थे इस वजह से आपकी रोक दी गई थी, ठीक है, तो अभी आइए इतना आपको करना है और आप मेरे को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8218484781, या तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर मेरे को कॉल करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है, आप उसे बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू, जरूर ज्वाइन करें।